हेलो चैंपियंस, मुझे पता है आपसे मेरे पास टाइम टेबल देखने आया, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी, स्किप मत करना बिल्कुल भी नहीं। ये रहा मेरा क्लास टेंथ का रिजल्ट। इस टाइम पे जब मैंने टॉप किया था 2016 बैच में, आई वाज वन ऑफ द सीबीएसई टॉपर्स। यानी ये देख के आप पता लगा सकते हो कि मैं वो क्रेडिबल पर्सन हूँ जो आपको टाइम टेबल और टॉपर बनने के लिए गाइड कर सकती है। दूसरा क्वेश्चन, तुम बोलोगे यार दीदी आप तो टॉपर थे, आपने पहले से पढ़ा होगा, हम जैसे यार जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, बेशक मैंने स्टार्टिंग से पढ़ा होगा, लेकिन सारे के सारे बच्चे अपनी टेंथ या बोर्ड की पढ़ाई लास्ट के 2 या 3 महीनों में ही करते हैं। तो अभी बहुत टाइम है टॉप किया, तुम बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो, बहुत अच्छे, मतलब जितना तुमने सोचा भी नहीं है। तीसरा, गलती कहाँ पे हो रही है फिर दीदी, जब सब कुछ अच्छा कर रहे हैं तो गलत कहाँ पे है? वो है स्ट्रैटेजी पे। मैं इतनी स्मार्ट स्ट्रैटेजीज बनाती थी हमेशा से अपने स्कूल टाइम पे, कि अगर एक बच्चा 6 घंटे पढ़ रहा है, मैं 2 घंटे पढ़ के भी उससे ज़्यादा मार्क्स ला सकती हूँ। तो वो स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कम टाइम में अपने सिलेबस को कैसे करो। बोर्ड को क्रैक करने का एक हैक होता है, वो मैं आज आपको बताऊंगी। फोर्थ, आपके लिए बहुत बड़ा गिव अवे है आज के वीडियो में। तो किसी भी 5 लकी विनर्स को फ्री बुक्स मिलने वाले हैं मेरी तरफ से, तो डोंट फॉरगेट टू पार्टिसिपेट और वो वीडियो पूरा देखना। डेफिनेटली खुश होकर जाओगे और मोटिवेट होकर जाओगे। आ जाओ तो यार, अब हम देखते हैं टाइम टेबल के लिए आपको 2 चीजें बोलूंगी। पहली चीज, आपको ये यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलने वाला, प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा सोच समझ के बनाया है जो मैंने खुद ने फॉलो किया है वो। दूसरा, नोटबुक लेके बैठो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका गिव अवे आने वाले वीडियो में आगे, तो पार्टिसिपेट करना मत भूलना। इस बार 5 लकी विनर्स को बुक्स मिलने वाली है, फ्री बुक्स। चलो टाइम टेबल, सबसे पहले आपको अपना सिलेबस अरेंज करना है, चाहे आप 10th के बच्चे हो, 11th के हो, 12th के हो, अरेंज करना है सिलेबस। किस मैनर में? ऐसे मैनर में कि जो चैप्टर्स आपने अभी तक नहीं पढ़े वो सबसे टॉप में आए और जो आपने पढ़ लिए वो सबसे लास्ट में आए। तो लेट्स से अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट उठाया, आपने फिजिक्स उठाया, तो फिजिक्स के वो चैप्टर सबसे पहले लिखो जो आपने बिल्कुल टच नहीं करे, जो एक बार भी पढ़े नहीं है। इसी प्रायोरिटी के हिसाब से आप आगे बढ़ने वाले हो। तो फर्स्ट स्टेप वुड बी टू अरेंज योर सिलेबस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, वेयर इन यू द चैप्टर्स विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड वुड बी इन द फ्रंट, यानी कि लाइन में सबसे ऊपर होंगे, वुड बी एट द टॉप, और जो नहीं पढ़े हैं वो सबसे नीचे होंगे। एग्जैक्टली समझ आया बात? अब आपको ऐसा ही हर एक सब्जेक्ट का करना है, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, मैथ्स का भी, सोशल का भी, वट एवर सब्जेक्ट्स यू हैव, आपको हर एक किसी का ऐसा ही ऑर्डर बनाना है। दूसरा देखो, दूसरा क्या करना है, आपको ये वाला पैटर्न फॉलो करना है जो मैंने यहाँ पे बना के दिया है। क्योंकि मैंने आपको 45 डेज का टाइम टेबल कमिट किया है, तो आपको 5-5 डेज के स्लॉट में अपना पूरा का पूरा टाइम टेबल डिवाइड करना है। एक क्रैक डिवाइड कर दो, 5 डेज, 5 डेज, 5 डेज, 5 डेज, 5 डेज, 5 डेज, ऐसे 9 स्लॉट्स आपके बनेंगे। सबसे पहले अब फर्स्ट 5 डेज का जो स्लॉट है उसमें कोई भी एक सब्जेक्ट पकड़ लो, यानी कि फर्स्ट 5 डेज आप जो भी सब्जेक्ट चूज करते हो वो आपका मेजॉरिटी सब्जेक्ट होगा, यानी कि उस सब्जेक्ट को आप प्रायोरिटी पे रखोगे, उसको आप सबसे ज़्यादा पढ़ोगे। यानी कि अगर आप पूरे दिन में 6 आवर्स के लिए पढ़ते हो तो वो पर्टिकुलर जो आपका सब्जेक्ट है वो आप ऑलमोस्ट 4 आवर्स पढ़ने वाले हो, यानी आप मोर देन 70% ऑफ द टाइम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को देने वाले हो आने वाले 5 डेज के लिए। तो लेट्स से आपने फिजिक्स उठाया 5 डेज के लिए, तो आप इसको मोर देन 70%, यानी कि 4 घंटे आपने फिजिक्स पढ़ लिया। मैथ्स, अगर आप एक साइंस स्टूडेंट हैं तो मैथ्स आप हर दिन करेंगे, मैथ्स में कभी भी आप डे वाइज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करने वाले, तो मैथ्स आप पर डे करेंगे 1 आवर या 1.5 आवर, आप पे डिपेंड करता है टोटली। और तीसरा आप कर सकते हैं रिविजन। अब रिविजन में आपको क्या करना है, रिविजन में आप कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट उठा लो, जब आपने प्रायोरिटी टेबल बनाई थी कि कौन सा मुझे कितना आता है सिलेबस, तो जो चैप्टर्स आपको आते हैं ना, कोई दूसरा सब्जेक्ट, फिजिक्स का नहीं, केमिस्ट्री उठा लो, केमिस्ट्री के रिविजन यहाँ पे लगा दो, यानी कि उन चैप्टर्स का रिविजन करो जो आपको आते हैं। आप कर क्या रहे हो, जो चीज़ आपको नहीं आती वो तो आप कर ही रहे हो, साथ के साथ जो चीज़ें आपको आती हैं उसको भी रिवाइज कर रहे हो। तो जो नहीं आता फिजिक्स में वो चैप्टर उठाया, 5 डेज के लिए फिजिक्स ही फिजिक्स पढ़नी है। आप 1 चैप्टर कर सकते हो, 2 चैप्टर कर सकते हो, 3 कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। साथ में अगर मेरे से टाइम पूछो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि यार आप हर दिन 3 घंटा फिजिक्स पढ़ लो, मतलब मेजर सब्जेक्ट 3 घंटे पढ़ लो, मैथ्स 1 आवर कर लो और ये 45 मिनट्स रिविजन कर लो, ऑलमोस्ट 5 आवर्स का टाइम टेबल बनता है। अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अब अगले 5 डेज में क्या करना है, सब कुछ स्विच कर देना है। अगले 5 डेज में कोई दूसरा सब्जेक्ट उठा लिया, यहाँ पे केमिस्ट्री उठा लिया आपने, नेक्स्ट 5 डेज के लिए आप केमिस्ट्री को मेजॉरिटी पे रखने वाले हो, मैथ्स नहीं हिलने वाला भाई, मैथ्स तो वहीं चलेगा। अब जो तीसरा रिविजन है ना वो केमिस्ट्री फिजिक्स का होगा, यानी फिजिक्स आपने पहले 5 दिन पढ़ी थी, आप भूल ना जाएं, इसीलिए आप जो आपने फिजिक्स में उन 5 दिनों में पढ़ा था वही फिजिक्स आप यहाँ 5 दिनों में रिवाइज करने वाले हो। यानी जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो 45 मिनट्स 5 दिन के लिए आप फिजिक्स की रिविजन करोगे वो चीज़ों की जो आपने पढ़ी। अब यहाँ पर रिविजन करते हुए वही थियोरी को रिपीट नहीं करना है, आपको करने हैं सैम्पल पेपर, आपको करने हैं एनसीईआरटी, आपको वो सारी चीज़ें करनी है जो
आपने थ्योरी के अलावा बचती हैं आपकी, सैंपल पेपर्स करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे करना है। तीसरे अगले 5 डे स्लॉट्स के लिए आपने लेट से SST चूज किया, तो आप सोशल साइंस पढ़ो अपना आराम से, 5 दिन के लिए सोशल साइंस पढ़ो, मैथ्स कहीं जाने नहीं वाला। अब यहाँ पे रिविजन किसकी लग जाएगी? केमिस्ट्री की, क्योंकि लास्ट 5 डेज आपने क्या पढ़ा था? केमिस्ट्री पढ़ा था। ऐसे करके आप 9 डेज के लिए स्लॉट बनाते जाओ, फिर यही स्लॉट्स रिपीट होंगे, यानी फिर से मैथ्स आएगा, फिर से फिजिक्स आएगा, फिर से केमिस्ट्री आएगा। ऐसे ही करके आप 9 डेज के लिए पढ़ो, आपका मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस फिनिश हो जाएगा विदाउट एनी डिले। अब सैम्पल पेपर्स की मैंने बात की, अब जब आपको टाइम टेबल समझ आ गया कि करना क्या है, 5 डेज एक सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर उसमें रिविजन भी लगाती रहना है साथ साथ में, कोशिश ये करनी है आपको कि जब आप स्टार्टिंग के 5 डेज कोई उठाते हो, आपने फिजिक्स उठाया, उसमें आपने पहले 5 दिन में फिजिक्स के 2 चैप्टर फिनिश कर दिए, ऐसे चैप्टर जो आपको बिल्कुल ही नहीं आते थे, तो अब जब अगली बार आपका फिजिक्स का दोबारा से टर्न आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस टाइम पे आप किसी ऐसे चैप्टर को करोगे जो शायद आपको थोड़ा थोड़ा आता है या आता है, तो इस तरीके से आपका रिविजन भी नहीं रुकेगा, आपको वो चैप्टर्स भी पढ़ पाओगे, और तीसरा आपका सिलेबस भी जल्दी खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अगले 45 डेज के लिए काम करना है। 3 चीज़ें मैं आपको बता दूँ, कहीं हिलने की जरूरत नहीं है, NCERT इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तीसरा PYQs। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठा लो, वही करो, ज़्यादा घुसो मत डिटेल में, ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आराम से चिल मार के करो, कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। कोई बंदा ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है कि आप पूरा सिलेबस करके जाओगे तो टॉप करोगे, बहुत सारी चीज़ें छोड़नी भी पड़ती है जो अननेसेसरी है, जो पेपर में आनी नहीं है, और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उसको कंटेन करो, क्योंकि इफ़ यू विल कीप वेस्टिंग योर टाइम कंटेनिंग ऑल दोज थिंग्स जो एग्जाम्स में आने नहीं वाली, तो इवेंचुअली आप अपना टाइम वेस्ट कर दोगे। ये टाइम टेबल जरूर फॉलो करना, मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको टाइम टेबल कैसा लगा। टाइम टेबल एक बनाओ अपने आप से, मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करो, मुझे अपना टाइम टेबल भेजो, मैं वेरीफाई करूंगी, आपकी स्टोरी को मेंशन बैक करूंगी। अब बारी आती है गिव अवे की ये जो पर्टिकुलर गिव अवे है, ये स्पॉन्सर किया है शिवदास एंड सन्स ने, जिसमें हम 5 लकी विनर्स को 7 ईयर पास्ट ईयर पेपर्स देने वाले हैं, यानी CBSE बोर्ड्स में पिछले 7 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन पेपर्स आए हैं वो पूरे के पूरे सॉल्व बुक आपको मैं देने वाली हूँ किसी 5 लकी विनर्स को। आपको करना क्या है उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, तो ये रही यार वो बुक्स, मैं आपको दिखा देती हूँ, उसे पिछले 7 ईयर्स में जितने भी पेपर्स आए हैं CBSE में वो सारे सॉल्व हैं, एक तरीके से सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जो पढ़नी है पेपर में नंबर लाने के लिए वो यहाँ बुक्स में हैं। तो यही बुक्स आपको मैं गिव अवे करूँगी। आपको करना क्या है मैं आपको बता देती हूँ, बहुत सिंपल टिप्स फॉलो करने हैं, बुक बहुत अच्छी है, मैंने देखी है, और आप लोगों को मिलेगी तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको करना क्या है यार, सिंपल स्टेप्स है। चैनल बहुत क्लोज है 1 लाख सब्सक्राइबर्स के, तो सबसे पहले आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, इस वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पे स्क्रीनशॉट लेके टैग कर सकते हो एज यू विश। तीसरा, आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जाना है, कमेंट करना है कि आपको ये चैनल से क्या हेल्प मिलती है, आपको चैनल कैसा लगता है, और ये बुक्स आपको क्यों चाहिए। अगर किसी ने ये बुक पहले यूज़ किया तो वो उसके बारे में भी लिख सकता है, और जो भी 5 लकी विनर्स होंगे उसको ये बुक फ्री में डिलीवर होगी। सो मेक श्योर यार आप इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करो। अगर आप में से कोई भी बच्चा ये बुक भी लेना चाहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इस बुक का लिंक भी मिल जाएगा, सारे पास्ट ईयर पेपर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी पार्टिसिपेट करो, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगी जो उससे भी ज़्यादा अमेजिंग होगी। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।